तो मेरे इस व्लॉग में मुझे आपसे एक दो बातें करनी है इंपॉर्टेंट, जो मुझे लगता है मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इस चैनल के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट है बहुत, तभी मुझे करनी है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज योर बॉय तुषार बरेजा। हाँ, बहुत सारी एनर्जी है आज, क्योंकि मुझे लगता है मैं कैमरे में बहुत धीरे बोलता हूँ। तो आज मैंने एक निर्णय लिया है, मैंने आज एक डिसीजन लिया है कि मैं अपने व्लॉग पे तेज बोलूंगा, भले ही आसपास के लोग मुझे देखे क्यों ना। अभी तो आसपास कोई नहीं है, अभी तो गाड़ी में हूँ, पब्लिक में देखते हैं मैं कितनी धीरे बोलता हूँ या कितनी तेज बोलता हूँ। तो एज यूजुअल मैं सुबह सुबह उठा, मैंने आसपास देखा, सब लोग घूम रहे हाफ टी शर्ट में, फुल टी शर्ट में, मैंने भी शर्ट डाली अपनी बढ़िया वाली। पर उसके बाद भाई साहब, जो मुझे ठंड लगी है ना, मैं गाड़ी अभी स्पेशल गाड़ी इसीलिए रोकी है कि मैं व्लॉग का इंट्रो कर लूँ और अपनी जैकेट उतार दूँ। तो आज काम क्या है, आज मुझे जाना है साकेत, एंड काफी यू नो बिजी शेड्यूल होने वाला है। तो मैंने सोचा कि आज अपने आप को और मेहनत में डालते हैं और व्लॉगिंग करते हैं। मतलब मुझे एक लड़कियों का सीन समझ में नहीं आता, आधा घंटा हो गया वेट करते हुए, और मतलब आधे घंटे बाद कैसे? दादी का काम था। तो मतलब असली में काम था या बहाना है? आप कितनी लेट आए हो? अच्छा ठीक है, सॉरी, मैं भी लेट हूँ। एक तो इसने हील्स पहनी हुई है आज, बूट्स पहने, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो अभी हम लोग आए क्रू फॉर इवेंट्स, यहाँ थोड़ा ठीक है, नीचे चल के बात करते हैं नीचे। तो अभी हम लोग आए थे क्रू फॉर इवेंट्स साउथ एक्स, मैंने साकेत बोल दिया था, बट हम लोग आए साउथ एक्स थे। दिल्ली के बारे में पता ही क्या है यार, साउथ दिल्ली, हम गुड़गांव वाले, हमें नहीं पता यार इतना, हम क्यों जानना है दिल्ली के बारे में जब हमारा गुड़गांव बेस्ट है। तो जो तुम्हारा भाई है वो कभी कभी यू नो रैंडम इवेंट्स कर ले यार, कर खुशखबरी की बात, मैम ने नया फ्रेश यूट्यूब चैनल बनाया है नया यूट्यूब चैनल सेहर कपूर के नाम से, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसके चैनल को मैं लिंक भी कर दूंगा, जाके उसको फॉलो करो, इसके चैनल पे धमाका कर दो व्यूज का, अच्छी वीडियो है काफी, एक ही डाली अभी तक, सब्सक्राइब बटन को फोड़ दो, शेयर कर दो, अच्छा अच्छा जितनी भी चीज होती है ना सब कर दो, और वीडियो अच्छी लगी तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कर दो, नहीं अच्छी लगी तो कोई बात नहीं, यही चीजें मोटिवेट करती है कि भाई तुम अच्छी बना रहे हो नहीं, कमेंट सेक्शन में बताओ कैसी है वीडियो, कहाँ पे गलती हुई, इन सब चीजों से हम यूट्यूबर्स को, मतलब अपकमिंग यूट्यूबर्स को, मतलब मैं थोड़ा पुराना हूँ, हम लोगों को पता लगता है कि हमारी गलती कहाँ है एंड हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। चलें फिर, गर्मी लग रही है बहुत बुरी। सिटी वॉक, एंड अभी दो लड़के और आ रहे हैं गुड़गांव से, हम दोनों जल्दी पहुंच गए, हम जल्दी पहुंचते हैं और लोग आ गए, तो हम चलते हैं कुछ खाते हैं पहले, बिकॉज वी आर हंग्री। अभी हम लोगों ने KFC मंगाया है, 10 मिनट लाइन में खड़े होने के बाद मुझे मिला, ये खाते हैं, तब तक हमारे दो बॉयज और आ रहे हैं, उनकी वेट हो रही है, बस वो आते हैं फिर हम थोड़ा सा और चिल करेंगे, क्योंकि सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। बर्थडे वाली वीडियो देखी है? देखनी चाहिए थी आपको। अभी सीन क्या हुआ, हम जब तक यहाँ बैठे हुए हैं, हम तो हैं डीट एक डेढ़ घंटे से बैठे हुए हैं, पर साइड में दो तीन बार स्विच हो चुके टेबल लोगों से, और किसी के यहाँ पे वॉलेट रह गया है, और मुझे पता नहीं किसका था, नीचे गिरा था, मैंने ब्लॉक के लिए ऊपर रखा है, मैनेजर को बुलाया, अभी देखते हैं, आई होप मिल जाए। तो अब हम आते हैं पहली बात पे, 6 अक्टूबर से लेके 6 नवंबर के बीच में मैंने अपना टारगेट पूरा किया, दैट वॉज टू अपलोड 10 वीडियोज इन 1 मंथ। ये मेरा पहले 2-3 वीडियो होती थी महीने की, 4 मुश्किल से 5, पर इस महीने मैंने 10 वीडियो का टारगेट किया, भले ही आखिरी की 2-3 वीडियोस लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आई, बट कोई बात नहीं, वी विल इम्प्रूव, ये टारगेट पूरा किया है वो भी हो जाएगा। 5-6 बज चुके हैं, 5:30 हो गए, ठीक लगा लो। मतलब बंदा कोई व्लॉग कर रहा है, उसके हर शॉट में कोई ना कोई ऐसी कैंडिड सी चीज़ डालनी ज़रूरी है। तो फाइनली आई मेड
headed back to home and I'm so much tired यार. मुझे भी थोड़ा लगता है कि मैं बहुत fluent हो गया हूँ इस वाले sentence में. I'm so much tired यार. तो वो सब छोड़ो, आखिरी बात पे आते हैं जो मैंने बोला था कि घूमते हुए करूँगा मैं सारी बातें. बट असली मज़ा जो मुझे आता है ना vlogging करने में, वो आता है घर पे. जो interaction होती है मेरी घर पे, वो बाहर से ज़्यादा मुझे लगता है कि productive होती है मेरे लिए. बट I know आपके लिए काफ़ी boring हो जाती है. मैं कोशिश करूँगा कि conversation interactive रहे. कोशिश ये भी है कि मेरी बाहर भी अच्छे से vlog करूँ. तो जो आखिरी बात है वो है मेरे YouTube चैनल से रिलेटेड. 27 नवंबर को एक साल हो जाएगा इस YouTube चैनल को. अर्लियर इट वॉज नोन एज BJ Vlogs. तो जिन जिनको पता है, जो शुरू से देखता आ रहा हूँ, उनको पता है भाई BJ Vlogs और फिर तुषार बरेजा चैनल को एक साल होने वाला है ऑलमोस्ट, मतलब पूरा ही हो जाएगा. एंड मैंने जो भी इस साल पाया 5400 जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू. जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया, जो लोग मुझे देखते हैं फ्रीक्वेंटली, बहुत ज़्यादा थैंक यू. लाइक इट मीन्स अ लॉट टू मी. एंड फॉर दिस आई एम थिंकिंग ऑफ गिविंग अ ह्यूज, अ वेरी क्रेजी वीडियो टू यू गाइज. जो भी मेरा पूरा साल में हुआ उसको ईयर एंड रिव्यू बोलते हैं अपने यूट्यूब चैनल का. तो मैं सोच रहा हूँ वो करूँ. बट मेरे पास दो सीन्स हैं, या तो मैं डिसम्बर 31 को वो वीडियो डालूँ या फिर मैं 27 नवंबर को डालूँ. 27 नवंबर को मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं. देखते हैं, 26 से मेरे एग्जाम्स हैं. मैं कोशिश करूँगा बन गई तो 27 तक डाल दूंगा. बाकी मैं आपको एक अपडेट और दूंगा इसके बाद क्या है उससे रिलेटेड. और अगर मैंने 27 नवंबर को नहीं डाली तो वो वीडियो आनी है 31 दिसंबर को, एंड वो बहुत क्रेजी होने वाली है. मैंने बोल दिया तो मैं उस पर आराम से बिल्कुल ऐसे अपनी प्यारी सी एडिटिंग करूँगा. एक महीना जितना मुझे उस पर टाइम लगेगा, आराम से मस्त सा टाइम लगा के पूरी स्क्रिप्ट करूंगा, अच्छे से वीडियो अपलोड कर दूंगा प्यार से यूट्यूब पे. जो अभी तक मेरे व्लॉग्स होते हैं वो सब बिल्कुल रैंडम होते हैं. कोई भी मेरा व्लॉग स्क्रिप्टेड नहीं था. मैं मुंह उठा के, कैमरा उठा के कुछ भी बोल देता हूँ. बट अब से मुझे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत स्क्रिप्ट, मतलब यू नो प्लान्स. जैसे आज का सीन था, मैंने सुबह उठ के सोचा था मेरे को कुछ बातें करनी है यूट्यूब चैनल पे, तो मैंने वीडियो बनाने स्टार्ट कर दी. अब एक बात बता दी, दूसरी बता दी, मैं अगली भूल गया, और एक और थी वो भी मैं भूल गया. तो तीन तो बता दी, अगली जो आएगी वो मैं अपने इंस्टाग्राम स्नैपचैट पे डाल दूंगा. यहाँ पे जाके फॉलो कर लो मुझे, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. आई होप अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो प्लीज लीव अ लाइक, ज्यादा अच्छी लगी हो सब्सक्राइब कर देना. एंड यस, व्लॉगिंग इज टफ, वेरी टफ. मैं घर आया हूँ, बहुत गंदी वाली हालत में हूँ. मेरी आईज, मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे, दे आर स्वोलन, वाटरी बहुत ज़्यादा. मतलब मुझे बहुत अजीब लग रहा है. तो मैंने कहा मैं सो जाता हूँ, बट नहीं, व्लॉग एंड करके सोऊंगा. क्योंकि अगर ये नहीं किया फिर डिले हो जाएगा, फिर अगली वीडियो में आएगा कि बहाना मारा है अगली वीडियो का. छोड़ो, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम. वीडियो अच्छी लगी लाइक, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी सब्सक्राइब. तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय.